सो आपका स्वागत है, मैं हूं कुश पांडे, आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एकेडमी ग्रुप। आप सबका तहे दिल से दोस्तों स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट वन 100 एमसीक्यू का। ये 100 सवाल आपके जो हैं ये जुलाई महीने के हैं और ये सवाल जुलाई में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हम इसी का कल वर्जन निकालेंगे जिसमें 100 सवाल और होंगे जो आपके जुलाई महीने के होंगे। तो ओवरऑल ये 200 सवाल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, चाहे अभी क्लर्क मेंस आ रहा हो, चाहे आपका एडीओ मेंस आ रहा हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी लेवल पे दोस्तों मेरा एक बैच आ रहा है, उस बैच का नाम है बी ए बैंकिंग मास्टर बैच, जो कि आ रहा है टॉपिक स्टडी अनअकैडमी प्लस के नेटवर्क पे। उसके अंदर दोस्तों अगर आप सर्च करोगे, मेरा नाम सर्च करोगे, तो आपको दोस्तों ये एक बैच मिलेगा, जिस बैच जो कि बैच है आपका फॉर आईपीएस पीओ कंप्लीट बैच है। मतलब ये मेंस के लिए पूरा बैच होगा, इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बैंकिंग, करंट, स्टैटिक, और ये बैच आपका 5 अगस्त स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इसको अवेल करना है, आपको यूज़ करना है कोड कुछ तो नहीं यूज़ करना है, अब से आपको यूज़ करना है टॉपिक स्टडी, ये हमारा कोड है जिसको आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, जिसके अंदर हम सब कुछ कराएंगे जो बैंकिंग के अंदर आपका आता है। मेरी गारंटी है आपके सिलेक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले सवाल पर, जो कि दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा और मैं चाहूँगा फ्लिप कर दीजिए इसको। रिजर्व बैंक फॉर मीडियम टर्म विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रोड मैप। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक की निगरानी विनिमयन को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्यम अवधि के लिए 3 साल के रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। सवाल है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, जो कि है उत्कर्ष 2022। वो दोस्तों इसका यहाँ पर सही आंसर है। इसकी घोषणा की थी जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने, और ये आगे चलकर जो एक आने वाला 3 साल है उसमें ये एक रोड मैप का काम करेगा। Name the capital of that country whose newly appointed PM is Kyriakos Mitsotakis. उस देश की राजधानी का नाम बताइए जिसके नव नियुक्त PM का नाम है Kyriakos Mitsotakis। अंकारा, बुकारेस्ट, एथेंस या फिर वियना। इसका जो उत्तर आपके सामने दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, जो कि है एथेंस। कंट्री का नाम है देश, कंट्री का नाम है ग्रीस, और जो आपकी कैपिटल है उसका नाम है एथेंस। यहाँ की दोस्तों जो करेंसी अब मानी जाती है वो करेंसी अब आपकी हो गई है दोस्तों यूरो। ग्रीस बहुत ही बड़ी क्राइसिस में था, उस वजह से अब ये यूरो को यहाँ पर मनवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारतीय संसद ने पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात किए गए सभी सामानों पर डैश शुल्क लगाने की संकल्प अपनाया है। इंडियन पार्लियामेंट अडॉप्टेड रेजोल्यूशन लेविंग डैश ड्यूटी ऑन ऑल गुड्स ओरिजिनेटिंग इन आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। कितना परसेंटेज है, 100, 200, 300 या फिर दोस्तों आपका 250? तो इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन बी, जो कि है आपका 200%। इतना आपका जो ड्यूटी लगेगी वो लगाया गया है, वाजिब भी है, बिकॉज कई पैमानों पर हम बहुत ही ज़्यादा लिबरलाइज्ड हैं, आसानी कर देते हैं पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट करने के लिए चीज़ों को। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है सरकार द्वारा। AU Celestine passed away at the age of 73. He belongs to which field? AU Celestine का 73 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया, वह इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉलिटिक्स, खेल, संगीत या फिर आपका अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, दैट इज स्पोर्ट्स। उनका जो ताल्लुकात था वो स्पोर्ट्स या खेल से ज़्यादा था और उसी से आपके ये संबंधित थे। आगे बढ़ें, ये चलें आपको हमारे अगले सवाल। Which one of the following men's footballer declared as the footballer of the year? निम्न में से किस एक पुरुष फुटबॉलर को वर्ष का फुटबॉलर घोषित किया गया है? आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ जो सवाल यहाँ पर है मेंस फुटबॉलर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम इंडिया की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स खरीदना है, चाहे मेरा, सुमित सर, किसी का भी, तो आपको यूज़ करना है कोड टॉपिक स्टडी। इसका दोस्तों जो आंसर है आपके सामने वो है ऑप्शन बी, जो कि है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इसका यहाँ पर सही जवाब है। ये भारतीय कप्तान भी हैं और इस समय अगर हम बात करें तो ये दुनिया के top 3 प्लेयर्स में से हैं जिनके नाम सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल्स हैं, द मैक्सिमम इंटरनेशनल गोल्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल। सो सुनील छेत्री, हम सभी का तरफ से आपको सलाम। मध्य प्रदेश टू प्रोड्यूस इट्स ओन सीड ब्रांड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सीड ब्रांड। मध्य प्रदेश अपने बीज ब्रांड का उत्पादन करेगी, उस बीज ब्रांड का दोस्तों नाम क्या है? सहज बीज, निर्मल बीज,
कोमल बीज या फिर उन्नति बीज, एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन ए जो कि है आपका सहज बीज, वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। दोस्तों जो लोग मेरे सेशंस को देख रहे हैं, मेरे दो आते हैं सेशन करंट अफेयर्स के, 6 AM MCQ, 7 AM द हिंदू करंट अफेयर्स, अगर आपने लगातार उनको देखा होगा तो ये सवाल आपके लिए अ वॉक इन द पार्क रहे होंगे या आप बेहद आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। और जो दे पा रहे हैं अभी कमेंट्स में वो लिख दें, एक बार अंगूठा दिखा दें, एक बार दिखा दें थम्स अप, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने डेली बेसिस पर 6 AM MCQ और 7 AM द हिंदू करंट अफेयर्स फॉलो किया है। अगर आप ये दो फॉलो करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ये मेरी गारंटी है, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की या फिर करंट अफेयर्स की। तो भाई देखते हैं, अच्छी बात है, नहीं देखते हैं देखना शुरू कर दें, आपके भले की बात है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस reunited 333 चिल्ड्रन विद their फैमिलीज अंडर ऑपरेशन मिलाप, दिस ऑपरेशन रिफर्स टू एज। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 333 बच्चों को उनके परिवारों के साथ फिर से जोड़ा है, ये ऑपरेशन इनमें से किस रूप में संदर्भित होता है, इस ऑपरेशन का रेफरेंस किससे है। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन है, जो बाल मजदूर है उसके खिलाफ, जो मानव तस्करी है उसके खिलाफ, जो एक एक अब्यूज़ होता है बच्चों का उसके खिलाफ, या जो एक आपदा है, जो एक एक नॉन जो कि गॉड में डिज़ास्टर है उसके खिलाफ, क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या जो मानव तस्करी है उसके खिलाफ। Which country central district retained the top spot as the world's most expensive market for prime office rents? किस देश के केंद्रीय जिले ने प्रधान कार्यालय किराए के लिए दुनिया के सबसे महंगे बाजार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? चीन, हांगकांग, अमेरिका या फिर यूनान? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कि है हांगकांग। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपका कनॉट प्लेस है, ये इंडिया की सबसे महंगी जगह है इन टर्म्स ऑफ ओनिंग अ शॉप। और वैसे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आपका हांगकांग का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो अब दुनिया की सबसे महंगी आपकी एक हॉटस्पॉट है शॉपिंग या फिर शॉप्स ओपन करने के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि मेरी राइटिंग भी मेरे वीडियोस की तरह अच्छी हो गई होगी, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। External Affairs Minister Subramanian Jayshankar attended the 19th Commonwealth Foreign Affairs Ministers meeting in which city? Videsh Mantri S. Jayshankar 19th Rashtramandal Videsh Mamlo ke Mantriyon ki baithak mein inme se kahan par bhag liya? New York, London, Dubai ya fir France? इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने आ जाएगा वो है ऑप्शन बी जो कि है लंदन। लंदन में दोस्तों उन्होंने भाग लिया। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करें तो ये इससे पहले भारत के विदेश सचिव थे, ही प्लेड अ बिग रोल, और मोदी कैबिनेट में या मोदी के जो डिप्लोमेसी है, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें उनके बहुत ही पसंदीदा ये एक ब्यूरोक्रेट थे। आगे बढ़ते हैं। मेक्सिको डिफीटेड द US 1-0 टू विन द कॉन कैफ गोल्ड कप फॉर अ रिकॉर्ड 8th टाइम, दिस कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? मेक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 1-0 से हराकर 8वीं बार कॉन कैफ गोल्ड कप जीता है, सवाल ही है यह कप इनमें से किस खेल का है? इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों आ जाएगा वो है फुटबॉल। दोस्तों यहाँ पर यही एक स्पोर्ट है, और अगर हम वॉलीबॉल और अगर हम चेस को हटा दें तो बाकी सारे स्पोर्ट आपके जो हैं वो टीम स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, पर मैक्सिमम सवाल जो आते हैं ट्रॉफीज़ के वो या तो फुटबॉल से आते हैं या तो हॉकी से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सवाल आपसे पूछ सकता है सुल्तान अजलान शाह किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से है, या फिर सवाल आपसे पूछ सकता है हॉपमैन कप किस से है जो कि आपका टेनिस से है, या आपसे पूछ सकता है थॉमस उबर कप किस से है, यह आपका बैडमिंटन से है। तो ऐसे चीज़ों पे सवाल बनते हैं जनरली आपके हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, ये चार पे मैक्सिमम सवाल आपके आते हैं। क्रिकेट पे कम आते हैं, पर हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस पे सवाल आपके ज़रूर से एक ना एक आते हैं। आगे बढ़ते हैं। The Asia's first Six Sigma Institute of Mountain Medicine and High Altitude Rescue is set in which Indian state? एशियाई का पहला Six Sigma Institute of Mountain Medicine और High Altitude Rescue किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल या फिर उत्तराखंड? कहाँ पर दोस्तों इसको स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर आपके सामने जो है वो है ऑप्शन डी जो कि है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट है माउंटेन मेडिसिन का, उसको स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर
Mr. Kamal Nath, in his first state budget, allocated how many rupees for the promotion of cattle farming and livestock, in which he decided to pay rupees 20 per day for cow protection, which was earlier rupees 1. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पहले राज्य के बजट में पशुपालन और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? उन्होंने गौ रक्षा के लिए प्रतिदिन 20 रुपए देने का भी फैसला किया है, जो पहले मात्र 1 रुपए था। कितना अमाउंट होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 132 करोड़, 132 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 11th July इज ऑब्जर्व एज, 11 जुलाई को इनमें से किसके रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन डी, जो कि है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है। ड्यूटी चांद हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय विनिंग हर फर्स्ट पोजिशन इन डैश रेस एट द यूनिवर्सिटी एड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन नेपल्स। ड्यूटी चांद ने यूनिवर्सिटी एड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में नेपल्स में इनमें से किस दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करके इतिहास रचा है? इसका जवाब आ जाएगा, द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज 100 मीटर्स, 100 मीटर्स में। दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते नहीं, चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि यह था आपके सामने स्क्रीन पर। ड्यूरिंग द ड्राइव विच वॉज लॉन्च्ड बाय RPF, RPF का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स, जो भी आप कह लीजिए, 1371 persons were arrested for selling of packaged drinking water of unauthorized brands. What is the name of the drive? RPF द्वारा लॉन्च किए गए ड्राइव के दौरान 1371 व्यक्तियों को अनधिकृत ब्रांडों के पैकेज पेयजल बेचने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। इस ड्राइव का नाम इनमें से क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है ऑपरेशन थ्रस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगातार आंसर कर रहे होंगे। कुछ लोग सवाल पूछ रहे होंगे, सर बताओ उसको डिटेल में। मेरे भाई, आपको अगर हर एक सवाल के बारे में जानना है तो डेली बेसिस पर मैं सवाल लेता हूं, उन्हीं में से कलेक्शन करके हम सवाल लेके आए हैं। और अगर अभी भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर डेली बेसिस पर आप 6 AM MCQ और 7 AM द करंट अफेयर शो नहीं देखते हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, एग्ज़ाम चाहे UPSC लेवल का क्यों ना हो, करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर आपने नहीं पढ़ा तो आप बेकार है। कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं जल्दी से लिख दीजिए यस सर, ताकि मैं समझ पाऊं कि जो मेरा मानना है, क्योंकि मेरे को अब हो चुके हैं 6 साल के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाते हुए, इतना मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स को एक दिन में खत्म करना असंभव है। पर हाँ, अगर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को आप पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा समझदारी वाली बात, द मोस्ट सेंसिबल थिंग इज दिस, कि आप डेली बेसिस पर इसको पढ़ें। और बाकी तो मैं आपको करा ही दूंगा, बस आपको रोज आना है सुबह 6 बजे MCQ में एंड फिर 7 बजे द हिंदू करंट अफेयर्स में। कितने लोग आएंगे उसके लिए भी आप यस लिख दो, नो लिख दो चलेगा नहीं, आप कहीं और देख लो। पर जो लोग यस लिखते हैं, भाई मैं बिलीव देता हूं आपको कि आपका सिलेक्शन होगा यूट्यूब पे उन वीडियोज को देखने के बाद। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल EIPFC एंड द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC इन कनेक्शन टू द मिशन रक्ष ज्ञान शक्ति? किस मंत्रालय ने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के संबंध में बौद्धिक संपदा सुविधा सेल IPFC और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दोनों ए और बी, या फिर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय? इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, वो है ऑप्शन सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। Name the state of India whose innovators make eco-friendly pens with newspaper, vegetables and fruits. भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके नवोन्मेषक अखबार सब्जियों और फलों से eco-friendly pen बनाए जाते हैं। इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने है, वो है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा न्यूज़ में इसलिए भी है बिकॉज अभी हाल ही में इसका जो रसगुल्ला था वो भी आपका, उसको भी GI टैग या एक भौगोलिक संकेतक का प्रमाण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अमेंडमेंट टू द पॉक्सो एक्ट 2012। दिस एक्ट इज रिलेटेड टू, कैबिनेट ने POCSO अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, यह अधिनियम इनमें से किससे संबंधित है?
आपके सामने देखिए चार ऑप्शन भी है, अंग्रेजी में इसलिए है बिकॉज यहाँ पर हम पी ओ सी एस ओ जो है उसके फुल फॉर्म की ही भी बात कर रहे हैं एंड उसी से संबंधित भी है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में दोस्तों इसको दिया है। इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस। यहाँ पर अगर हम चिल्ड्रन की बात करें दोस्तों, तो ऐसा कोई भी बालक, टीनेजर, बच्चा, इन्फेंट जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम, इफ़ इज लेसर देन 18, उसको हम यहाँ पर चाइल्ड या चिल्ड्रन काउंट करते हैं। आप में से कई लोग मेरे एज के होंगे या 18 से ऊपर होंगे, तो अब आप अडल्ट हो गए हो बेटा, अब आप बच्चे नहीं हो, मन के सच्चे तो पता नहीं हो कि नहीं हो, पर आप बच्चे तो नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट न्यूज, ईरान डिनाइज ब्लॉकिंग ब्रिटिश ऑयल टैंकर इन स्ट्रेट ऑफ हर्मस। स्ट्रेट ऑफ हर्मस इज बिटवीन ईरान एंड विच कंट्री? हाल ही में आई अखबार खबर के अनुसार ईरान ने हर्मस जलडम मरुमध्य में ब्रिटिश तेल टैंकर को रोकने से इनकार करता है। हर्मस जलडम मरुमध्य ईरान और इनमें से किसके बीच है? अगर आप मैप देखोगे भी तो इसका जो आंसर निकलेगा वो है यूएई। आप यूएई भी कह सकते हो और आप यहाँ पर ओमान का भी आंसर जो है वो भी लिख सकते हो, वो भी आपके इसके काफ़ी नज़दीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल दोस्तों एक एरिया है जहाँ से दुनिया का 1/3 जो आपका एक सी कॉमर्स है, जो समुद्री व्यापार है, वो गुजरता है। नेक्स्ट पे आते हैं। Which mobile company joined hands with paisabazaar.com to offer financial products? वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने के लिए paisabazaar.com के साथ किस मोबाइल कंपनी ने हाथ मिलाया है? नोकिया, सैमसंग, एप्पल या फिर आपका रिलायंस जियो? इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सैमसंग। सैमसंग के साथ दोस्तों यहाँ पर दे हैव जॉइंट हैंड्स। Which of the following sports company has appointed Katrina Kaif as its brand ambassador? निम्न में से किस स्पोर्ट्स कंपनी ने कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सवाल अगर ऐसे आएंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आते हैं तो अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको एक तरह से लिस्ट बना के रखना बेवकूफ़ी है। मैं होता तो मैं इसको स्किप कर देता, फिर भी क्योंकि सवाल यहाँ आया है इसका आंसर है रीबॉक। नेक्स्ट पे आते हैं। Which state government has set a target of $1 trillion economy in next years? किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में $1 trillion economy जो है उसको बनाने के लिए लक्ष्य रखा है? आपके सामने देखिए ऑप्शन भी हैं, जैसे कि सरकार का भी मानना, सरकार भी चाहती है कि वो $1 trillion economy बनाए, उसी तर्ज पर हम यहाँ पर बताएं आपको, तो इनका भी जो मकसद है वो यही है कि कैसे हम एक $1 trillion economy बनाए अपने प्रदेश को। दोस्तों इसका जो उत्तर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये जो है वो टारगेट रखा गया है। यहाँ तक समझ में सबको आ रहा है? अगर आ रहा है इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विल्फ्रेड मेस्किता हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70 आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस, ही वॉज अ फेमस। डॉक्टर विल्फ्रेड मेस्किता जो हैं उनका उम्र 70 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया। सवाल है वो प्रसिद्ध क्या थे? इसका आंसर दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन सी, दैट इज ही वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 350 ODI मैचेस, ऑफ कोर्स आफ्टर सचिन रमेश तेंदुलकर? उनका नाम दोस्तों क्या है? 350 एक दिवसीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है वन एंड दी ओनली महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी द कैप्टन। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 2019 वर्ल्ड कप? फीफा अंडर 17 2019 की मेज़बानी इनमें से कौन सा देश करेगा? हाल ही में इंडिया ने की थी, और अब सवाल इसका जो उत्तर आपके सामने है दोस्त वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक तरह से सबसे फेवरेट स्पोर्ट है, ब्राज़ील सबसे बड़ी टीम है फुटबॉल के अंदर, बड़े बड़े प्लेयर्स निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर आपका ये वर्ल्ड कप होगा। The first global conference on media freedom took place in which city? Media freedom पर पहला जो वैश्विक सम्मेलन है वो इनमें से कहाँ पर हुआ? ये सवाल मेरा आपसे है। इसका जो आंसर आपके सामने दोस्तों है दैट इज़ ऑप्शन ए, जो कि है लंदन। लंदन में आपका जो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है मीडिया फ्रीडम का वो दोस्तों हाल ही में हुआ। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में शामिल होने के बाद भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एग्जिस्टेड इन इंडिया आफ्टर जॉइनिंग जयपुर? 37, 38, 39 या फिर 40? एंड द आंसर हियर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 38। अगर कंपेयर करें तो 55 आपके तो जब आपके इटली में है, जहां पर हाल ही में प्रोसेको हिल्स जो है उसको इस पर्टिकुलर देश के अंदर, इटली के अंदर माफ़ करना, हैज़ बीन सेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट पे आते हैं।
Which of the following is the app developed under Digital India Initiative to retrieve health information of Hajj pilgrims? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप हज यात्रियों की स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल इंडिया के पहल के तहत विकसित किया गया है? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, जो कि है आपका ई मसीहा. ई मसीहा दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं. द दिल्ली कैबिनेट विल शट डाउन द राजघाट थर्मल पावर प्लांट एंड विल कन्वर्ट इट इन टू अ. ऑलरेडी ये प्लांट जो आपका जो है वर्क नहीं कर रहा है, इसके ये वर्क एक बहुत ही एक्टिव प्लांट नहीं है. तो सवाल है, दिल्ली मंत्रिमंडल राजघाट थर्मल पावर प्लांट को बंद कर देना देगा और उसके जगह इनमें से किसको तब्दील करेगा? मतलब प्लांट तो रहेगा पर किस फॉर्मेट में या किस माध्यम से वो अपना कार्य करेगा? इसका आंसर है इट विल वर्क एज अ सोलर पावर प्लांट. अच्छी पहल है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. इंडिया फिल्म डिविजन लॉन्च्ड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब नेम्ड. भारत फिल्म प्रभाग ने किस शहर में क्षितिज के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसको शुरू किया है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर चेन्नई? कहां पर दोस्तों ये क्षितिज क्लब आपका शुरू हुआ है? तो इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन सी, जो कि है आपका मुंबई. मुंबई में दोस्तों ये क्लब जो है आपका शुरू. इसका नाम क्या है? क्षितिज. नाम प्लीज़ याद रखिएगा, नाम पर जोर ज़्यादा आता है एग्ज़ाम के अंदर. Who among the following has been appointed as secretary? में से किस, और ये बड़ा ही अच्छा सवाल दोस्तों है, किसे प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के तौर पर दोस्तों बनाया गया? ये सवाल मेरा आपसे है. क्या है दोस्तों उनका नाम, ये बताना है आपको. दैट इज माई क्वेश्चन. तो इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज इसका आंसर है ऑप्शन सी, विकास स्वरूप. विकास स्वरूप स्पोक्स पर्सन भी थे और इनकी फेमस बुक है, इसका नाम है क्यू एन ए. इसी बुक पे आपकी जो ऑस्कर विनिंग मूवी है स्लम डॉग मिलियनेयर, जय हो जय हो, वो मूवी जो है वो इसी पर दोस्तों आपका जो है वो बेस्ड है. तो ये चीज़ भी आप सब फिलहाल याद करके देखिएगा. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली सोमेंद्र नाथ कुंडू पास्ट अवे. ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट. हाल ही में सोमेंद्र नाथ कुंड का निधन हो गया. वह निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित थे? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर शॉटपुट? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है क्रिकेट. क्रिकेट संबंध था सोमेंद्र नाथ कुंडू का. द फेमस कटारागमा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री. प्रसिद्ध कटारगमा मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, तारे श्रीलंका. सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है, अभी हाल ही में पाकिस्तान भी न्यूज़ में था. पाकिस्तान में वो कौन सा टेम्पल है जो कि आपका अभी हाल ही में ओपन किया गया है, जो पार्टीशन के बाद किया गया? इसका जवाब मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप दें और शो के बाद मैं इस जवाब को दूंगा आपको कि इसका सही आंसर क्या था. आगे बढ़ते हैं. जेल के कैदियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम असम के किस जिले में शुरू हुआ है? द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जेल इनमेट्स हैज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम? द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, बोंगाईगांव. वहां पर दोस्तों ये शुरू हुआ है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CMD ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड? भारत संचार निगम लिमिटेड का CMD के तौर पर इनमें से किसकी नियुक्ति की गई है? प्रवीण कुमार पुरवर, अरुण दयाल, सौरभ कुमार यादव या अमृतंजय कुमार? किसकी दोस्तों अपॉइंटमेंट की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है प्रवीण कुमार पुरवर. ये यहाँ पर इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं. द 2019 वुमेन स्टार्टअप समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी. 2019 का जो महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है वो इनमें से किस शहर में दोस्तों होने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है कोची. कोची में दोस्तों ये समारोह है जो आपका होने वाला है. आगे बढ़ते हैं. विच न्यू मेथड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर प्रिडिक्टिंग मॉनसून? मॉनसून की भविष्यवाणी के लिए कौन सी नई पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी पहचान के लिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज़ बेरिलियम 7. इसका इस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाएगा इस एक मेथड के ज़रिए जहाँ पर मॉनसून को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना आएगा, कितने घनघोर आपकी वर्षा होने वाली है.
Which new section has been inserted in the SEBI Act to act against entities that tamper or destroy electronic database? SEBI के नियम में electronic database में छेड़छाड़ या नष्ट करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सा नया खंड डाला गया है? सेक्शन 15HA, सेक्शन 16HAA, सेक्शन 16HA या सेक्शन 15HAA? And the answer here is, it is option D, section 15HAA. Isko dosto add kiya gaya hai. Aage badhte hain. Which place in Kerala is slated to be home of India's first elephant rehabilitation center? Keral mein kaun sa sthan Bharat ka pehla hathi punarvas kendra hai? Kochi, Kuttur, Wayanad ya fir Kozhikode? Iska dosto answer hai option B, that is Kuttur. Kuttur mein dosto ye shuru kiya jayega. Indian weightlifter Ajay Singh has won gold in 81 kg category at the Commonwealth Championships. This championship was held in Bharatiya weightlifter Ajay Singh ne Commonwealth Championship mein 81 kg varg mein gold jeeta hai. Ya championship in mein se kis mein aaya? Acha ek sawal baar baar aa raha, maine abhi dekha ki sir PDF kahan hai, to PDF ke do option hai beta. Show ke baad aapko PDF milega description mein, pehla option. सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए शो के बाद और आपको चाहिए हमेशा के लिए, तो वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस में, जो टेलीग्राम पे, अगेन रिपीट, कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस में, वहाँ पर आपको दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगा. तो इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज आपिया समोआ. ये दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं. Which Union Territory State has decided to introduce bicycle sharing scheme? इनमें से कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने साइकिल शेयरिंग योजना शुरू करने की पहल की है, फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है आपका पुडुचेरी. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. विच इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द WEF's ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क? WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय विनिर्माण संयंत्र को शामिल किया गया है? इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, टाटा स्टील कलिंगानगर. इसको WEF के जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है GLN, उसमें शामिल किया गया है. सवाल यहाँ पर एक और बन सकता है कि GLN का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GLN, दैट इज ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क. आगे बढ़ते हैं. विच एंटिटी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूड फर्म बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? बाजार पूंजीकरण द्वारा कौन सी इकाई सबसे मूल्यवान फर्म बन के सामने आई है? इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, दैट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. एम कैप का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक शेयर का प्राइस, मतलब मान लेते हैं प्राइस पर शेयर, मतलब एक शेयर का प्राइस, और इसको हम गुणे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ द नंबर ऑफ शेयर्स, और इससे आपको दोस्तों मिल जाएगा कि आपका एम कैप या जो मार्केट कैपिटल है वो आपका फ़िलहाल कितना है. ये चीज़ एक बार आप फिलहाल देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ें, तो चलें आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि ये रहा. नेम द इंडियन फुटबॉलर प्लेयर हु वॉज कन्फर्ड विथ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन्स इमर्जिंग मेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर. उस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इमर्जिंग मेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है. सुनील छेत्री इमर्जिंग नहीं है, वो बड़े प्लेयर हैं, उनको अवार्ड मिला है ओवरऑल. तो यहाँ दोस्तों जो आंसर आपके सामने है, द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन बी, सहाल अब्दुल समाद. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. नोवाक जोकोविक ने रॉजर फेडरर को हराकर अपना पांचवा विंबलडन खिताब जीता है. नोवाक जोकोविक इनमें से निम्न में से किस देश संबंधित हैं? नोवाक जोकोविक वन हिज फिफ्थ विंबलडन टाइटल आफ्टर डिफीटिंग रॉजर फेडरर. नोवाक जोकोविक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? स्विट्जरलैंड, सर्बिया, स्पेन या फिर आपका ऑस्ट्रिया? एंड द आंसर हियर इज, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज सर्बिया. उनका जो ताल्लुका दोस्तों है वो सर्बिया से ज़्यादा है, सर्बिया से वो बिलोंग करते हैं. रॉजर फेडरर बिलोंग करते हैं आपके स्विट्जरलैंड से, और जो आपके मेरे बहुत ही फेवरेट प्लेयर हैं राफेल नदाल, वो बिलोंग करते हैं स्पेन से. विच इंडियन वुमेन रेसलर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 53 kg कैटेगरी एट द यासर डोगू इंटरनेशनल इन इस्तांबुल? किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 kg वर्ग में इस्तांबुल के यासर डोगू इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है? कविता देवी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर बबीता कुमारी? एंड द आंसर हियर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ विनेश फोगाट. ये यहाँ पर इसका सही जवाब है. सवाल एक बार बन सकता है विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो उसका आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा उसका? उसका आंसर होगा दोस्तों आपका रेसलिंग या फिर कुश्ती.
आगे बढ़ते द गोल्डन जुबली एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम 20th November टिल 28th November 2019 इन भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्वर्ण जयंती संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2019 तक निम्न में से कहां पर आयोजित किया जाएगा द आंसर इज ये बहुत ही ऑब्वियस सवाल है ये सवाल कई बार आता है इसका उत्तर है पणजी पणजी में दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज या आयोजित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं Which of the following film has won the best feature film at the SARC Film Festival? निम्न में से किस फिल्म ने SARC फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है Walking with the Wind, नागा कीर्तन ना बोले वो हराम स्वर्ण कमल किसको मिला है दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी जो कि है नगर कीर्तन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं Which of the following state government has observed 12th July as Save Water Day? निम्न में से कौन सा राज्य सरकार है जिसने 12 जुलाई को जल बचाओ दिवस के रूप में मनाया है ये इसी स्टेट के अंदर मनाया जाता है और ये अभी की नहीं दो साल पहले की पहल है इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने है वो है ऑप्शन डी जो कि है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसने ही इस पहल को 12 जुलाई को जल बचाओ दिवस के तौर पर शुरू किया है यहाँ पर सवाल मेरा आपसे एक और बनेगा जल चौपाल कहाँ पर दोस्तों बनाई जा रही है कहाँ पर जल चौपाल को हाल ही में लॉन्च किया गया है इसका उत्तर आपको देना है इसका आंसर है क्या इसका आंसर है बिहार आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे और है वीडियो को सबने लाइक किया है जल्दी लिखिएगा नहीं किया है कर दो भाई शर्म किस बात की है विच ऑफ द फॉलोइंग SBI मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स फर्स्ट फीमेल MD एंड CFO निम्न में से किस SBI प्रबंध निदेशक को विश्व बैंक के MD और CFO के तौर पर नियुक्त किया गया है The answer is, it is option D, that is Anshula Kant. इनको दोस्तों अपॉइंट किया गया है सर वापस स्क्रीन पे आते दोस्तों 50 हमने कर लिए हैं 50 सवाल दोस्तों हमने कर लिए हैं 50 में से आपका स्कोर कार्ड क्या है What is your स्कोर कार्ड इन 50 questions? अगर 50 में से आपके सवाल 40 के ऊपर हैं इसका मतलब है कि दो मतलब एक कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं एंड सेकंड मतलब है कि यू आर अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ द 7 AM द हिंदू करंट अफेयर्स एंड द 6 AM MCQ ये दो शो मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ आपको लगातार आते हैं 6 AM आता है मंडे टू संडे 7 AM आता है आपको मंडे टू सैटरडे देखिए ज़रूर नहीं देख रहे हैं देखना शुरू कर दीजिए फर्स्ट सेकेंड जिनके 40 से कम है उनके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सवाल ऑलरेडी मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं ये सवाल एक कंपाइलेशन है जिसके अंदर हम आपको पूछ रहे हैं या इसका आंसर होगा तो भाई अगर ये भी आंसर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो आप इसका पीछा छुड़ा सकते नहीं करंट अफेयर्स हर दूसरे एग्ज़ाम में आता है तो ये बच्चे अगर आप अभी PSC की तैयारी भी कर रहे हो या स्टेट लेवल तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं तो भाई जल्दी से लिख दो जी सर हम समझ रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा GAFA tax, the legislation will impose a 3% levy on sales generation in the country by non-tax-paying online giants. What is the acronym of GAFA? फ्रांसीसी संसद ने एक कानून GAFA टैक्स को मंजूरी दे दी है कानून गैर कर ऑनलाइन दिग्गजों द्वारा देश में उत्पन्न बिक्री पर 3% लगाया जाएगा GAFA का संक्षिप्त नाम या इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है इसका आंसर है ऑप्शन डी गूगल एप्पल फेसबुक एंड अमेजोन इसको लेकर एक स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर उन्होंने लगाया तो हम भी अब फ्रेंच की जो वाइन है जो काफ़ी फेमस है उस पर भी हम भारी टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे तो जैसे को तैसा टिट फॉर टैट भगवान बचाए ट्रंप जी को भगवान बचाए मैक्रोन को लड़ जाए एक दूसरे में फ़ायदा हमें होगा हमारा भी फ्लिपकार्ट आना चाहिए यहाँ पर खैर फ्लिपकार्ट तो अब हमारा रहा नहीं क्योंकि 77% तो स्टेक वॉलमार्ट का फिर भी कोई भारतीय कंपनी आए तो मज़ा आए नेक्स्ट पे आते हैं Which ministry has launched Lakshya, a quality improvement initiative? किस मंत्रालय ने गुणवत्ता सुधार की पहल लक्ष्य शुरू की है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसने दोस्तों यहाँ पर इस पहल को जो है वो शुरू किया है आगे बढ़ते हैं Which of the following celebrity is the highest paid celebrity on the Forbes celebrity list of 100? फोर्ब्स सेलिब्रिटी सौ लिस्ट में निम्न में से कौन सी हस्ती सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हस्ती बनी है काइली जेनर रॉजर फेडरर जेके राउलिंग
टेलर स्विफ्ट, कौन सी दोस्तों हस्ती बनी है? एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन डी जो कि है टेलर स्विफ्ट. टेलर स्विफ्ट दोस्तों जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब है. दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिल्कुल ये यहाँ पर इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. द स्टेट ओन्ड बैंक्स इन इंडिया स्टेटेड दैट रुपीज 1.5 trillion वर्थ ऑफ लोन्स एज विलफुल डिफॉल्ट्स 2018-19. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स? भारत में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने कहा कि 2018-19 में विलफुल डिफॉल्ट के रूप में $50 trillion का ऋण है. निम्न में से किस बैंक में विलफुल डिफॉल्ट की संख्या सबसे अधिक है? पहली बात तो समझ लो विलफुल डिफॉल्ट होता क्या है. देखो विलफुल डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु हैज़ द मनी टू पे इट बट ही हैजंट. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे तो हैं पे करने को पर भाई उसने जानबूझ के पैसा पे नहीं किया है, या फिर ही हैड द मनी ही यूज द मनी इन सम वे एल्स. उसके पास पैसा था, उसके पास रुपया था, उसने उसका इस्तेमाल कहीं और किया. या फिर थर्ड कंडीशन कि उसने उस पैसे से क्या किया दोस्तों, फ्रॉड किया है. इफ़ समवन हैज़ डन अ फ्रॉड. इन तीनों कंडीशंस में मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है, एक ही नाम आता है, बहुत ही सोना सा मुंडा है अपना जो कि नाम है विजय माल्या, जो भारत के पहले विलफुल डिफॉल्ट है. कभी नहीं चाहूँगा कि किसी का नाम ऐसे आए, पर वो भारत के पहले एक तरह से ही इज़ द फर्स्ट विलफुल डिफॉल्टर. तो यहाँ दोस्तों जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI यहाँ पर इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं, एक सवाल पर चलते हैं. According to IHS market report, by which year India will overtake Japan to become the world's third largest economy? IHS market के अनुसार किस वर्ष तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? And the answer is, it is already option C, that is 2025. पर दोस्तों अगर आप लोग पेपर्स पढ़ते होंगे तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इंडिया जो कि दुनिया के टॉप 5 इकॉनमी में आता है, अब वो टॉप 5 इकॉनमीज में से हट चुका है. और अगर मैं सही हूँ, मेरे को माफ़ करना अगर मैं गलत हूँगा, पर इंडिया की जो एक ग्रोथ है वो शायद 7th नंबर पर आ गई है, जो कि एक चिंता की बात है. उम्मीद करते हैं कि हम पहले से बेहतर काम यहाँ पर करेंगे और आप लोग जो देश के नागरिक हैं हमारी तरह, हम देश को आगे बढ़ाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. पीटर क्राउच अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल एट द एज ऑफ 38. ही बिलोंग्स टू विच टीम? पीटर क्राउच ने 38 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वह इनमें से किस टीम से हैं? इंग्लैंड, ब्राज़ील, USA या फिर अर्जेंटीना? कहाँ से संबंध है आपके पीटर क्राउच का? तो दोस्तों इसका जो उत्तर आपके सामने आ जाएगा वो है ऑप्शन ए जो कि है इंग्लैंड. इंग्लैंड से संबंध है पीटर क्राउच का. आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट सवाल है. AIIB प्रोवाइड्स $100 million टू NBFC फॉर विंड एंड सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. नेम द NBFC टू विच AIIB इज प्रोवाइडिंग द लोन. पहली बात तो दोस्तों AIIB का फुल फॉर्म याद कर लेने का, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो दोस्तों इसका जो है वो फुल फॉर्म है, पहली बात तो याद कर लीजिएगा. सेकेंड चीज़ आपको याद करनी है वो ये है कि इनमें से किसको दोस्तों उन्होंने $100 million का जो ये फंड है वो दिया है. तो इसका उत्तर जो आपके सामने दोस्तों है, दैट इज़ ऑप्शन बी, LNT इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये है इसका नाम. नेक्स्ट पे आते हैं. लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? ये इनमें से किसकी आत्मकथा है, हाल ही में न्यूज़ में थी. इसका उत्तर दोस्तों है ऑप्शन सी, अनुपम खेर, ये इसके यहाँ पर सही आंसर. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which public sector bank waive off the charges on NEFT and RTGS transactions through internet and mobile banking from July 1? कौन से बैंक ने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS जो कि है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, लेन देन पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है? इसका उत्तर दोस्तों है आपका ऑप्शन बी, SBI. इनफैक्ट IMPS उस पर भी दोस्तों हटा दिया गया है. तो एक नई पहल है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए. वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व जल दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 22 मार्च. 22 मार्च को इसको दोस्तों जो है मनाया जाता है. आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as the governor of Himachal Pradesh? अभी हाल ही में 10 से 11 गवर्नर दोस्तों बदले हैं. अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर नए बने हैं. तो सवाल मेरा आपसे है, इनमें से हिमाचल प्रदेश के अब नए गवर्नर कौन है?
दोस्तों इसका जो उत्तर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन बी जो कि है कलराज मिश्र। यूपी से ये सांसद थे, एमएलए थे और अब ये गवर्नर बने हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंश्योर वाटर कंजर्वेशन हैविंग इट्स ओन वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। भारत का कौन सा राज्य जल संरक्षण नीति सुनिश्चित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसकी अपनी जल संरक्षण नीति है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जो कि है मेघालय। मेघालय यहाँ पर सही जवाब है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिवाइज्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने संविधान को संशोधित किया है? जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर आपका थाईलैंड? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने दोस्तों इसको रिवाइज किया है और अब जो इनके जो किम जोंग उन हैं जिनकी बड़े ही बेतहाशा बहुत ही बढ़िया उनकी हेयर स्टाइल है वो अब इनके सुप्रीम लीडर और इनके हेड ऑफ स्टेट भी हैं। आगे बढ़ते हैं। वे वाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपेडिशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। निम्न में से किस शहर में वाइट वाटर राफ्टिंग अभियान शुरू किया गया है? इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी जो कि है आपका इंडस। इंडस रिवर पे, इंडस जो आपका नदी है, माफ़ करना सिटी हटा दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे शहर। किस नदी में, किस रिवर पे किया गया है? तो रिवर जो है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी इंडस। आगे बढ़ते हैं। What is the current ranking of India in the Global Corruption Index? Global Corruption सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? इसका उत्तर दोस्तों है ऑप्शन बी 78। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following tropical storm hit Louisiana in the US? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में लुइजियाना में निम्न में से कौन सा ट्रॉपिकल तूफान आया है? इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जो कि है आपका बैरी। आगे बढ़ते हैं। Recently, an agri business incubation center has been started in which of the following city? हाल ही में निम्न में से किस शहर में एक कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र शुरू किया गया है? इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी जो कि है आपका रायपुर। रायपुर में एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर या एक कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र को स्थापित किया गया है। Which of the following motor company has launched India's first ethanol-based motorcycle? निम्न में से किस मोटर्स कंपनी ने भारत की पहली इथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च की है? हीरो होंडा, होंडा, TVS या फिर सुजुकी? एंड द आंसर इज इट हैज़ टू बी TVS। TVS में शुरू किया है। आपको बताना है TVS के मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका आज का होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने विंबलडन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है? हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन? द आंसर इज इट इज सिमोना हलेप। नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर विनिंग द फाइनल्स इंग्लैंड हैज़ लिफ्टेड द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द लास्ट टाइम। कौन सी, कितनी बार ICC वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीत चुका है? इस बार के वर्ल्ड कप को जोड़ दें तो भाई पहली बार है, फर्स्ट टाइम है जब उसने जीता है वर्ल्ड कप। Who among the following won a technical knockout by defeating Mike Snyder in the US professional circuit? निम्नलिखित में से किसने US पेशेवर सर्किट में Mike Snyder को हराकर एक तकनीकी नॉकआउट जीता है? And the answer is ये एक आप प्रोफेशनल बॉक्सर हो चुके हैं जो कि भारत के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम यहाँ पर है विजेंदर सिंह। आगे बढ़ते हैं। Recently, हुसैन मोहम्मद अरशाद passed away. He was the former military dictator of which of the following country? हाल ही में हुसैन मोहम्मद इरशाद का निधन हो गया, वह निम्न में से किस देश के पूर्व सैन्य तानाशाह थे? इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी जो कि है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following has won the Gandhi Mandela Award 2019? निम्न में से किसने गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 जीता है? तिच नाथ हान, पेमा कार्जी देमा, तियुम गाले, यगजैन लामू? किसने दोस्तों इसको जीता है? इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन ए जो कि है तिच नाथ हान। इन्होंने जीता है गांधी मंडेला अवार्ड। अभी हाल ही में दोस्तों एक और अवार्ड दिया गया है जिसमें जो दिया गया है रामन मैगसेसे। सवाल मेरा आपसे, ये रामन मैगसेसे अवार्ड है ये किस इंडियन जर्नलिस्ट को दोस्तों दिया गया है? इनका नाम आप जानते होंगे, इनको कुछ जो पसंद भी करते हैं कुछ जो हेट भी करते हैं, पर ये एक ही जर्नलिस्ट हैं और दोस्तों इनका जो नाम है वो है रवीश कुमार।
With which of the following country Exim Bank signed 124 million US dollars loan agreement? निम्न में से किस देश के साथ Exim Bank ने 124 million dollars के एक ऋण समझौते हस्ताक्षर किए हैं? Australia, Senegal, Papua New Guinea या फिर both B and C? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो कि है आपका सेनेगल और साथ में है पापुआ न्यू गिनी। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री एग्जेम्प्टेड द वीज़ा फी फॉर द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स? किस देश ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीज़ा शुल्क में छूट दी है? जॉर्डन, पैलेस्टीन, यूएई या फिर कतार? द आंसर हियर इज़ इट इज़ ऑप्शन सी जो कि है यूएई। रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये नहीं है कि वो बहुत महान है या बहुत अच्छे हैं, रीज़न ये है कि अभी जो सीज़न चल रहा है वहाँ पर टूरिस्ट या पर्यटक जो है वो कम आते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बुलाने के लिए अधिक से अधिक वॉल्यूम में ये किया गया है, तो कोई महान काम वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द फर्स्ट सिटी ऑफ कॉन्गो इन विच द फर्स्ट केस ऑफ इबोला हैज़ बीन कन्फर्म्ड। कॉन्गो के पहले शहर का नाम बताइए जिसमें इबोला के पहले मामले की पुष्टि दोस्तों हुई है। And the answer is, it is option B, जो कि है आपका गोमा। आगे बढ़ते हैं। How many countries are members in the Financial Action Task Force? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में कितने देश सदस्य हैं? FATF न्यूज़ में रहता है, अभी हाल ही में पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में डाला था आज से करीब 2 से 3 महीने पहले, जिसके अंदर उस पर आरोप है कि चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या खास तौर पर आतंकवाद की बात करें, टेररिज्म की बात करें, उसको पाकिस्तान शह देता है, दे एक्चुअली सपोर्टेड। सवाल मेरा है कहाँ पर कितने सदस्य इसमें हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कि है 39। ये आपका पेरिस में स्थित है और इसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है OECD, उसके हेडक्वार्टर्स भी आपके पेरिस के अंदर है। आप चाहो तो एक बार कमेंट में OECD का फुल फॉर्म भी बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव इनमें से कौन है? इसका दोस्तों आंसर आपके सामने जो है दैट इज विजय केशव गोखले, ये भारत के नए विदेश सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं। सात्रिया इज अ डांस बिलोंग टू विच कंट्री? सात्रिया जो है वो भारत के किस राज्य का नृत्य है? ये सवाल मेरा आपसे है। एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन दिखा दें, इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि है असम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व विरासत समिति के 2020 सत्र की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट 2020 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी? एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन बी जो कि है आपका चाइना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर विल बी ऑनर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट बाय मेलबर्न्स ला ट्रोब यूनिवर्सिटी? मेलबर्न का जो ला ट्रोब विश्वविद्यालय है वो इनमें से किस एक्टर को अपनी मानद डॉक्टरेट सम्मानित करेगा? और ये पहली बार है किसी ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी ने उनको ये अवार्ड दिया है। एंड द आंसर इज द किंग खान हिमसेल्फ, शाहरुख खान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ए स्प्रिंटर धिंग एक्सप्रेस हिमा दास बैग हर थर्ड इंटरनेशनल गोल्ड, शी बैग द टॉप स्पॉट इन वुमेन्स विच इवेंट? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी 20 मीटर्स, अगर मैं सही हूँ। अब इनके नाम 5 गोल्ड हैं जिनमें से 4 गोल्ड 200 मीटर्स में है और एक गोल्ड आपका जो है वो अभी 400 मीटर में है। पर दोस्तों ये हम बता दूँ आपको, ये सारे जो आपके अभी चैंपियनशिप्स हैं ये अच्छी बात है कि उन्होंने जीता है, पर अभी भी ये टीयर 2 चैंपियनशिप्स हैं या टीयर 3 चैंपियनशिप्स हैं, अभी भी उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो हम सबको विश करना चाहिए कि इनका जो अब एक परफॉर्मेंस है जो बहुत बेहतर हो चुका है वो अब इतना हो जाए कि वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंच जाए और हम इनको देखें टोक्यो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन हैज़ वन द मेन्स ट्रिपल जंप गोल्ड एट द तातियाना कोल्पाकोवा मेमोरियल इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट एट बिश्केक किर्गिस्तान? ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट काफ़ी समय से हैं, मोहम्मद सलाहुद्दीन। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्नांडो कोबाटो डाइड एट द एज ऑफ 93, ही इन्वेंटेड वॉट? इन्होंने इनमें से किस चीज़ की ईजाद की थी? बहुत ही अनोखी चीज़ है दोस्तों, कंप्यूटर पासवर्ड की इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ईजाद किया था। आगे बढ़ते हैं। एम जे राधा कृष्णन हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61, ही वॉज अ फेमस वॉट? एम जे राधा कृष्णन का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक इनमें से क्या थे? एक्टर, पॉलिटिशियन, सिनेमेटोग्राफर या फिर इकोनॉमिस्ट? एंड द आंसर हियर इज इट इज़ ऑप्शन सी जो कि है सिनेमेटोग्राफर, वो ये थे और साउथ की कई बड़ी मूवीज़ में इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। विच कंट्री रेगुलेटर्स हैव अप्रूव्ड अ रिकॉर्ड $5 billion फाइन ऑन फेसबुक टू सेटल एन इन्वेस्टिगेशन इन टू डेटा प्राइवेसी वायोलेशंस?
किस देश के नियामकों ने डेटा गोपनीयता उल्लंघनों की जांच का निपटारा करने के लिए फेसबुक पर रिकॉर्ड $5 अरब जुर्माना को मंजूरी दी है? इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, दैट इज़ USA, वहीं की ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही इस पर जुर्माना किया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत में कितने समुद्र तटों का चयन किया गया है? हाउ मेनी बीचेस आर सिलेक्टेड इन इंडिया टू वाई फॉर अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? अपने डाइवर्सिटी के लिए, अपने सफाई के लिए फेमस है। आंसर है आपके 12। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन वोटेड द IOC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? निम्न में से किस खिलाड़ी को IOC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शरद कमल। ये पेशे से ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, भारत के मल्टीपल टाइम नेशनल चैंपियन हैं, और मनिका बता शरद कमल भारत को आने वाले जो ओलंपिक्स है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो मिक्स डबल्स आपका है उसको हाल ही में चुना गया है इन दी ओलंपिक्स एंड ऑल्सो इन अदर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। एलावेलिन वलारीवान क्लेम्ड गोल्ड इन जर्मनी, शी बिलोंग टू विच स्पोर्ट? एलावेनिल वलारीवान ने जर्मनी में स्वर्ण पदक जीता है, वह इनमें से किस खेल संबंधित हैं? इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है शूटिंग। नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन स्टेट यूटी विल ऑर्गेनाइज IESF शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2020? 2020 में IESF शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन इनमें से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप? 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? 15, 12, 13 या फिर 10? कितने देश दोस्तों इसमें भाग ले रहे हैं? एंड दोस्तों इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 12। 12 देश दोस्तों इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच बैंक RBI हैज़ इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ ₹7 करोड़ फॉर वायोलेटिंग नॉर्म्स? किस बैंक पर RBI ने मानदंड का उल्लंघन करने के लिए 7 करोड़ रुपये का एक मौद्रिक जुर्माना दोस्तों लगाया है? धनलक्ष्मी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर SBI? एंड द आंसर हियर इज, इट इज़ ऑप्शन डी, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर दोस्तों यहाँ पर जुर्माना जो है वो लगाया गया है। आगे बढ़ते। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चोजन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन? उर्सुला वॉन दर लेयन, ब्रिजिट बर्लिन, डालिया ग्रेबोस्की, मेते फ्रेडरिक्सन? किसको तो चुना गया है एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन? एंड इसका आंसर आपके सामने दोस्तों आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज उर्सुला वॉन दर लेयन। इनको दोस्तों चुना गया है इस पर्टिकुलर खिताब के लिए, इस पर्टिकुलर हेड बनी है इसकी, जो पहली आपकी फीमेल प्रेसिडेंट है ऑफ द यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट पे आते हैं। 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन, आसान सवाल है, 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनमें से कहां पर होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है आपका टोक्यो। टोक्यो में दोस्तों आपका ये है जो आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि दोस्तों स्क्रीन पर अब आपके सामने आने वाला है। ये रहा आपके सामने वो सवाल। With which country India will set up fast track mechanism to facilitate investors and companies of both the countries? किस देश के साथ भारत दोनों देशों के निवेशकों और कंपनियों की सुविधा के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करेगा? दक्षिण कोरिया, इसराइल, इटली और जापान? इसका दोस्तों आंसर आपके सामने है ऑप्शन सी, जो कि है इटली। इटली में दोस्तों एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म जो है वो शुरू करा जाएगा, जो कि कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को दोनों को बेहतरी करेगा। आगे बढ़ते। नेम द 76 कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 76वें देश का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है पलाऊ। पलाऊ इसका सही जवाब है। Who has been appointed as an international judge of the Singapore International Commercial Court? सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसे दोस्तों जो है वो नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा, अमिताभ रॉय, आदर्श कुमार गोयल, अर्जुन कुमार सिकरी? किसको दोस्तों अपॉइंट किया गया है? एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन डी, अर्जुन कुमार सिकरी। आगे बढ़ते हैं।
Bank of England issued a new face, Alan Turing, on a 50 pound note he was known for. Ye inme se kiske janak kahe jaate hain? He has been called the father of whom? इनका दोस्तों ही पास्ट अवे. इन पे कई सारे आरोप थे और बीइंग गे बहुत सारे आरोप थे. इनकी बहुत ही फेमस मूवी आई थी जिसमें मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं बेनेडिक्ट कंबरबैच. जो नहीं जानते इस एक्टर को, शेरलॉक देखा होगा आपने या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सुना होगा, वो ये एक्टर हैं. उन्होंने इसका रोल प्ले किया था और उन्हीं के ऊपर ये मूवी थी. इसका आंसर दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन सी, द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. Government's Find the Incredible You campaign has won the PATA award. This campaign associated with which ministry? किस मंत्रालय से सरकार का Find an Incredible You अभियान जुड़ा हुआ है जिसके लिए उसे PATA पुरस्कार मिला है? इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है आपका पर्यटन या फिर टूरिज्म. इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी 2020 विल बी हेल्ड, कहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन होगा? मुंबई, लंदन, नई दिल्ली या फिर एडिनबर्ग? द आंसर हियर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, जो कि है आपका नई दिल्ली. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, तो यहाँ हम वापस स्क्रीन पे आ जाइए. तो इसी के साथ दोस्तों सेशन को, इसका दोस्तों पीडीएफ शो के 15 मिनट बाद अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, एंड साथ ही इसमें अवेलेबल होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस. उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें. उसमें इस पीडीएफ के अलावा बहुत सारी बातें होती हैं एग्जाम्स को लेकर, वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है. अगेन रिपीट, कुश सर ग्रुप ऑफ चैंपियंस नाम है उसका. करीब 22,000 बच्चे उसमें और आपको वो हेल्प करेगा. तो दोस्तों एंड में जाने से पहले फिर से रिपीट कर दूं, एक मेरा बैच आ रहा है, वो बैच है बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसके अंदर बैंकिंग करंट स्टार्टिंग हम पढ़ाएंगे. ये बैच आपका शुरू हो रहा है 5 अगस्त से, और इसके लिए कोड आपको यूज़ करना है टॉपिक स्टडी. क्वेश्चन नहीं, टॉपिक स्टडी आपको दोस्तों आप कोड यूज़ करना है. वो ये कोड आप हमारे हर बैच पे यूज़ कर सकते हैं जो भी हम लाते हैं अनअकैडमी प्लस पे, चाहे सुमित सर लाएँ, चाहे मैं लाऊँ, चाहे आंचल मैम, चाहे राधे सर, या फिर चाहे सुमित, चाहे सचिन सर. थैंक यू सो मच गाइस आपका आने के लिए. एक बार याद रखिएगा, कल फिर से हम आपसे मिलेंगे इसके Part-2 के साथ. तो देखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते रहें टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल को. गाइस पीस आउट.